आगरा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय एबीपी के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। समूचे देश से भारी संख्या में एबीपी प्रतिनिधियों ने 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिभाग कर अधिवेशन को सफल बनाया। अधिवेशन के समापन समारोह के अवसर पर सागर रेड्डी को युवा पुरस्कार 2019 से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित कर युवाओं में जोश भरा गया। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एबीपी की प्रशंसा करते हुए युवाओं को भारतीय संस्कृति और भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए जोश भरा। बिना किसी विपक्षी पार्टी का नाम लिए नेताओं को आड़े हाथ लिया। शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर लागू करने की बात कही। वहीं महापुरुषों के नाम पर सरकारी अवकाशों को खत्म करने का असली उद्देश्य बताकर युवाओं की खूब तालियां बटोरी। उनसे पूछा गया कि भारत की एकात्मता के आधार क्या है, ये विविधता में एकता कैसे, तो उन्होंने कहा कि भारत की एकात्मता के आधार राम है, कृष्ण है और शंकर है। और इस देश के अंदर एक बड़ा समुदाय, ये मानने लग गया था कि छात्र शक्ति विघटनवादी है, तोड़फोड़ करता है, विध्वंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त है। उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा, नहीं, गलती तुम्हारी है, छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति है, इस राष्ट्र शक्ति को पहचानो, उस राष्ट्र शक्ति को उचित मंच दो, आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करो, एक अवसर दो। और अवसर मिला, जहां जब मिला, भारत की युवा शक्ति ने न केवल देश में अभी तो दुनिया के अंदर भी अपनी प्रतिभा का और अपनी ऊर्जा का लोहा मनवाया है, हमेशा मनवाया है। कौन से वे लोग हैं जो भारत की शक्ति को, भारत की ऊर्जा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनकी पहचान करना। उनको चिंतित करना और फिर उसके अनुरूप अपनी रणनीति को तैयार करके इस राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र की ऊर्जा में बदलना। जहां पर हम भारत को वैभव की ओर पहुंचाने के सपने को साकार कर सकें, जो हम सबको सदैव विचार परिवार के द्वारा बताया जाता है, सबसे बड़ा देश है और देश की कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। इस चीज का एहसास कराने की आवश्यकता है। जिन्होंने देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी जिनकी मंशा एक ही थी, कैसे भारत को और भारतीयता को समाप्त किया जाए, जाति का, मत का, मजहब का, क्षेत्र का, भाषा का, न जाने कौन कौन से विवाद खड़े करके आ रहे थे, उन विवादों से जब वे भारत को कमजोर नहीं कर पाए, आज उन्होंने नए तरीके से अपने हथियार फिर से चलाने प्रारंभ किए हैं, नए नए मामलों को उठा करके, नए नए मुद्दों को उठा करके। और स्थितियों में सावधानी की आवश्यकता है। एक गांव में मैं गया, बच्चे घूम रहे थे, मैंने उन बच्चों को बुलाया, मैंने उनसे पूछा मेरे का स्कूल नहीं रहे, उन्होंने कहा छुट्टी है, मैंने कहा छुट्टी क्यों है,
तो दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि आपकी बात, मैंने कहा आपकी बात तो नहीं है, ड्रेस पर बात था। मैंने कहा तुमने कैसे कहा कि बात है। तो तीसरा बच्चा, उसने कहा साहब हमें मान लेते हैं जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बात। मैं उसी दिन वापस आया, मैंने कहा देखो ये सब छुट्टी समाप्त कर दो और महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम मनाओ, बच्चों को बताओ पर्व और त्योहारों के पहले भी केवल छुट्टी की घोषणा मत करो, बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके या मॉर्निंग असेंबली में ही और बच्चों को बताओ कि रामनवमी का आयोजन क्यों होता है, शिवरात्रि क्यों है, रक्षाबंधन क्यों है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने भले ही महापुरुषों के अवकाश के दिन महापुरुषों के बारे में जानकारी देने के शासनादेश जारी किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सीएम योगी बाबा 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसे भावुक हुए कि रामायण और महाभारत का ज्ञान देने की बात करने लगे। साइबर इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।